नमस्कार दर्शकों, बहुत दर्द हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही। आज एक चीज मैंने देखा, प्रातःकाल एक सज्जन के यहां सतचंडी हवन चल रही, वहां मुझे बुलाया गया, मैं गया। सतचंडी यज्ञ वो बिचारे किस तरीके से करा रहे थे, अपने खेत को गिरोह रखकर वो सतचंडी यज्ञ करा रहे। तो ध्यान रखिए प्रिय बंधुओं, जेवर, जमीन, कर्ज इत्यादि लेकर कोई पूजा पाठ, कोई अनुष्ठान कराते हैं तो देवी देवता उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसी पूजा, ऐसा भोग, ऐसा अनुष्ठान जिसमें आपकी आत्मा को, आपके घर वालों को पीड़ा देकर वो कराए जाए, ईश्वर कभी नहीं स्वीकार करता है। कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आपके पास कुछ ना हो, नहा धो करके सिर्फ हृदय से कोने पे बैठकर याचना कर लेंगे, वो स्वीकार है। तो मैंने देखा, हमने कहा अरे ये मूर्ख प्राणी है, ऐसा क्यों कर रहा है, क्या जरूरत थी। हम एकांत में गए, उनके दादाजी को बुलाए, पूछे, हमने कहा दादाजी ये आप जो कर रहे हैं किसने बताया ऐसा करने को। तो उन्होंने बताया कि कुछ विद्वान थे, उन्होंने कहा तुम्हारे घर में किसी ने तंत्र बाधा करा रखी वर्षों से, इसको काटने के लिए नवरात्र में सतचंडी जो है यज्ञ तुम्हें घर में कराना पड़ेगा, क्योंकि आज से नहीं आदि से है। वाकई में वो 10-20 साल से एकदम बर्बाद हो चुके थे। हमने कहा ठीक है, करा रहे, अच्छी बात है, मैं किसी को कुछ बोलूंगा नहीं, कराते रहिए। हमने कहा एक बार आप अपना घर मुझे दिखा सकते हैं। अरे गुरु जी ये तो मेरा धन्य भाग होगा, मैं एक एक कोने को, एक एक घर, एक एक कमरे को, छत ऊपर सब टहलना चालू किया। तो सेकेंड फ्लोर पर उनकी पुरानी हवेली टाइप की थी, घर टाइप का था। सेकेंड फ्लोर का दक्षिण भाग पर मुझे वो मिल गया जो इनके घर को बर्बाद कर रहा था। वो मुझे दिख गया जो इनके घर में मुख्य कारण था। हमने कहा उफ़ो, तुम यहां छुपे बैठे हो मेरे लाल, कब से हो तुम यहां। हमने दादा को बुलाया, हमने कहा यहां सामने देख रहे हो, इस दीवार पर देख रहे हो, ये कब से यहां है। दादाजी ने कहा गुरुवर इसको तो 17 वर्ष हो गए, इसको तो 17 वर्ष हो गए, 17 वर्ष में ना ये बढ़ा ना घटा, 2-4 इंच का अरग फरक आया। हमने कहा श्रीमान जी यही कारण था, यही कारण था जो आपके घर की बर्बादी का, आपके घर के जो आज स्थित बनी है, यही कारण था। और यही कारण है कि आपने अपने खेत को गिरोह रखकर पुनः आपने एक कष्ट और मोल ले लिया। वो कारण क्या था, वो चीज क्या थी, क्या आप जानना चाहेंगे, क्या आप सुनना चाहेंगे, तो मैं बताता हूं। मेरे प्यारे दर्शकों, दक्षिण भाग में अगर आपके घर के दक्षिण दीवार पर कोई पीपल का वृक्ष उग आया हो, कोई बड़ का वृक्ष उग आया हो, तो दोनों में दो प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। अगर पीपल का वृक्ष उग आया हो और लगातार वर्षों से वहीं पे बना हो, ना सूख रहा हो, ना बढ़ रहा हो, ना घट रहा हो, तो आपके यहां पितृ बुरी तरीके से दुखी हैं, उनको मुक्ति नहीं मिली है, उनका श्राप आपको लगातार मिल रहा है, उनके साथ साथ आपके क्षेत्र के जो भी प्रेत हैं उनका भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बना हुआ, कुल मिला के दलित नारायण का योग आपके घर में प्रवेश कर चुका, जो कि आपके पितृ देवता भी चाहकर उसे सही नहीं कर सकते। दूसरा, अगर बड़, जिसे बरगद कहते हैं, अगर बरगद का वृक्ष आपके दक्षिण घर के दक्षिण दीवार पर कहीं जम आया, जो कि काफी दिनों से है, तो आपके घर के कुल देवता, कुल देवी, आपके जो ननिहाल के देवता है, वो ननिहाल तक का आते ध्यान रखिएगा, ननिहाल के देवता इत्यादि बुरी तरीके से रुष्ट हैं, आपको बर्बाद कर देंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं, दुनिया का कोई अनुष्ठान नहीं, दुनिया का कोई तंत्र मंत्र नहीं जो आपको ठीक कर ले,
जब तक इसका परमानेंट इलाज नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा आपके यहां है तो नोट कर लीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप परेशान हैं। अगर ऐसा आपके यहां है तो आपके यहां विवाह को लेकर और बिजनेस को लेकर भयंकर दिक्कत होगी, सामाजिक लेवल भी आपका धीरे धीरे बिगड़ता चला जा रहा होगा। तो इन दोनों का उपाय सिर्फ एक है। अगर पितृ का है तो पितराष्टक करा दीजिए और इसको बहुत जल्द, जब पितृपक्ष होता है नहीं तो किसी भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को इसको उखाड़ा जाता है, उखाड़ के इसको पितराष्टक कराने के बाद इसको नदी में विसर्जन किया कर दिया जाता है और जिस जगह ये पौधा होता है उस जगह पर शहद और चीनी का लेप लगाकर, तीन काजल की बिंदी लगाकर प्रणाम कर लिया जाता है, इससे दोष खत्म हो जाता है। अब अगर बड़का है तो वहां भी आपको कुल देवता के कामना के लिए कुलाष्टक पूजन कराना पड़ता है, उसके पश्चात इसको उखाड़ना पड़ता है, उखाड़ने के बाद इसको पंचोपचार पूजन सहित इसका बंधन करके, दोष बंधन होता है, दोष बंधन करके कीलन करके इसको किसी बड़ के यानी बरगद के ही वृक्ष के नीचे दबा दिया जाता है, उसके ऊपर 5 कील तांबे की ठोंक दी जाती है, फिर आपका घर इन दोनों जो पीड़ादायक श्रापित जो समस्या है इनसे मुक्त हो जाता है। देखिए मेरे प्यारे दर्शकों, मैं इसलिए बताता हूं कि आप कि हाँ कभी कभी छोटी प्रॉब्लम रहती, वो छोटी चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम करती है और उसके लिए आप नाना प्रकार के लोगों के पास जाते हैं, आप बार 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 लुटते हैं, अंत में कहते हैं ये सब चीजें झूठ हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई तो दिमाग में रखिएगा, कभी भी आपको कोई पीड़ा हो पहले घर का अपना वास्तु और पूरी घर का जमीन को दिखाना चाहिए, घर को दिखाना चाहिए, पितृ दोष दिखाना चाहिए, कुल दोष दिखाना चाहिए, उसके बाद तंत्र मंत्र लाइन में आओ, इनसे अगर ना सही है तब आगे कूदो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। किसी प्रकार की अन्य जानकारी चाहिए मेरा कॉन्टेक्ट नंबर हर वीडियो में है, आप सुबह 9 से शाम को 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, जय श्री राम।